वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। महामारी के मुश्किल वक्त में दुनिया का हर देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। वैक्सीन आने से पहले ही दुनिया के तमाम अमीर देशों ने इसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी है। भारत सरकार देश के हर व्यक्ति तक कोरोना वायरस की वैक्सीन पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी बीच मुंबई के एक हेल्थ टेक स्टार्टअप ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए भारतीय नागरिक वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर या वैक्सीनेशन क्लिनिक से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वैक्सीन आने पर टीका लगवा सकते हैं। हेल्थ टेक फर्म वंडर एक्स की यही कोशिश है कि इस ऐप के जरिए हर भारतवासी को आसानी से वैक्सीन मिल सके। इसके लिए वंडर एक्स ने देश भर में डॉक्टरों और योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ करार किया है। वंडर एक्स ने पहले ही अपने वंडर एक्स ऐप पर 180,000 से ज्यादा हेल्थ केयर की सूची तैयार कर ली है। वंडर एक्स के सह संस्थापक और निदेशक पंकज अग्रवाल का कहना है कि हमारे ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए प्री बुकिंग टाइम स्लॉट में फीस जमा करनी होगी। हमारा ऐप आम लोगों और वैक्सीनेशन क्लिनिकों के बीच एक मीडिएटर का काम करेगा। इससे लोगों को अपनी पसंद के वैक्सीनेशन क्लिनिक के साथ अपनी बुकिंग करने में मदद मिलेगी और लोग अनिश्चितताओं में पड़े रहने और लंबी कतारों में इंतजार करने से बचेंगे। ऐप पहले चरण में एंड्रॉइड फोन में चलेगा और बाद के चरणों में iOS वर्जन लॉन्च किए जाएंगे। ये ऐप भारत के हर कंज्यूमर और हेल्थ केयर के लिए गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। वंडर एक्स डिजिटल इंडिया की नींव पर आधारित भारत में बना एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो देश में हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स के बीच आत्मनिर्भर भारत के विचार को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। भारत सरकार भी देश के हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश में लगी है। कई वैक्सीनों के ट्रायल हो चुके हैं और कई 90% से ज्यादा कामयाब रहे हैं। ऐसे में जल्द ही दुनिया को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक भारत के हर नागरिक के लिए सावधानी और जागरूकता ही वैक्सीन का काम करेगी। त्योहारों के सीजन में कोरोना को लेकर भारत में बड़े स्तर पर लापरवाही दिखाई दी, जिसके परिणाम कुछ ही दिनों में कई राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। आपसे हमारी अपील है कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचिए और मास्क और बाकी सावधानियों का पालन कीजिए, क्योंकि लापरवाही का नतीजा बहुत गंभीर है। कहीं ऐसा न हो लापरवाही आपके साथ पूरे देश के लिए गंभीर बन जाए। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।